खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, जुगल किशोर के साथ खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड राज्य के जनजाति क्षेत्र जौनासर बावर में 32 वर्ष बाद आराध्य चंद महासु महाराज के जौनासर बावर चक्राता में विराजमान होने पर क्षेत्र की जनता ने खुशी से बीसु त्योहार मनाया। आइए जानते हैं इस त्योहार के बारे में लोगों की क्या राय है, दिव्या नेगी की इस रिपोर्ट में। महाराज जी के बारे में जब से आए या कुछ विशेषता बताएं, कुछ चमत्कार बताएं महाराज जी के बारे में। चमत्कार ये है कि इसकी आपार लीला ये अपने आप में अमीर है, क्योंकि इसके आने पर देखिए इतना बड़ा पब्लिक है, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, कोई यहाँ पे ऐसा इंतजाम नहीं है, सब अपने आप में सहयोग करते हैं। नहीं, इसकी खूबी है, इसके पास कोई बड़ा, इससे बड़ा कोई नहीं है, जो भी इसकी अपनी वो है। आप देख ही रहे कि इतनी पब्लिक है, पब्लिक में व्यवस्था की जरूरत पड़ती, प्रशासन की जरूरत पड़ती, लेकिन इसके बाद खुद अपनी व्यवस्था है, अपना प्रशासन है, और ये पब्लिक को अपना यही इसकी एक बड़ी मानता है और यही इसकी विशेषता, इसी लोग इसको मानते हैं। टीवी चैनल वाले हैं इसके महत्व है ना, वैसे तो हमारा पहली परंपरा है, चालदा महाराज यहाँ पे हमारे क्षेत्र में आता है, तो हम क्या है ये विश्व मनाते हैं, ये महाराज के नाम से विश्व मनाया जाता है। सर एक चीज़ और है, जो इतना यहाँ पे जन सैलाब उभड़ा है, इनके जैसे रहने की व्यवस्था या खाने की व्यवस्था यहाँ किस तरह की व्यवस्था है? वो पहले तो हमारा इसमें यहाँ पे वो चलता था, भंडारा चलता था, आज तो इसीलिए हमने रखा है ना, मैंने कहा सभी घरों में आज अवश्य गांव से सब आदमी। सर जैसे एक चीज और है, जैसे सर कहीं पानी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था हमने पानी जगह जगह एंकर है सड़क में चमत्कार है, हमें बहुत चमत्कार इस बार हमें ये चमत्कार मिला है कि बर्फ कईयों 20 साल बाद यहाँ पे बर्फ भारी हुई है, पानी पानी कोई प्रशासन की जरूरत नहीं, फुल प्रशासन की जरूरत व्यवस्था कितनी भीड़ है,
फिर भी कोई आदमी एक दूसरे से कोई वो नहीं। सर जैसे महाराज जी, सर एक सवाल और है, जैसे महाराज जी यहाँ पे विराजमान है, इसके बाद महाराज जी दूसरे स्थान पर प्रस्थान करते हैं, तो उसके बाद ये पर्व मनाया जाएगा क्या? बिल्कुल, और इसके बाद भी अब मनाते हैं, उस जगह पे मनाते हैं, और इधर भी ऐसा कि दूसरी तीसरी शाम कभी क्या क्या मनाया जाता है, बाकी तो जब ये महाराज जी होता है उस टाइम तो मनाना ही पड़ता है। तो सर ये कितने सालों बाद ऐसा? ये तो कम से कम हमें तो ये 32 साल। धन्यवाद सर। जैसे ये विश्वकर्म मनाया जा रहा है, ये क्यों मनाया जा रहा है, इसकी क्या प्लानिंग है? ये सब लोग अपने घर जाएंगे शाम को, सब लोग अपने घर जाएंगे। चमत्कार हुआ है इस बार जो है, काफ़ी मात्रा में गर्म, काफ़ी अच्छा बर्फबारी हुई है, जिससे पुष्पों को बहुत अच्छा फायदा हुआ है, इस क्षेत्र में बहुत अच्छा फायदा हुआ है। सर एक चीज़ और है, जैसे जो इतना बड़ा जन सैलाब उपड़ा है महाराज जी के दर्शन के लिए, तो यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था है, खाने की, रुकने की, पानी की, इस तरह कौन सी व्यवस्था है? पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे सब लोग अपने अपने घरों को लौटेंगे शाम को, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे सब लोग अपने अपने घरों को जाएंगे शाम को। तो जैसे सर यहाँ पे इतना है, यहाँ पे कोई किसी तरह की जैसे सुरक्षा है, इसकी कोई आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, सब शांतिपूर्वक माहौल है, सब लोगों को हमने पहले से ही अलर्ट किया हुआ है, कोई किसी प्रकार के घटना दुर्घटना से कोई ऐसा नहीं है। धन्यवाद सर। जो ये विश्वकर्म मनाया जा रहा है इतने सालों बाद, इसका क्या महत्व है, क्यों ये मनाया जा रहा है? ये हमारे चाचा महाराज जी जो यहाँ वास करते हैं, तो ये चार कथ का जो है विश्व होता है, तभी विश्व होता है जो 35-36 साल का जो है महाराज जी आ जाते हैं, ऐसे नहीं होता है, तो विश्व मना जाते हैं महाराज के दर्शन। और क्या महत्व है इसमें? तो ये कि महाराज के नाम से ही मतलब मनाते हैं, ऐसे तो विश्व अलग अलग मनाते हैं, लेकिन ये विश्व स्पेशल इसलिए है कि हमारे चार खत जो हमारा समाज है वो जब हमारे चार खत तभी विश्व मनाएंगे जब ये एकता है देश के नाम से। ये 32-33 साल बाद जो है बिहार के तभी विश्व मनाया जा रहा है, आगे भी तभी मनाया जाएगा जब महाराज का जो है बहुत सालों बाद फिर आगमन होगा यहाँ पे, तभी ये भी विश्व मनाया जा रहा है। जब तक नई दिवाली बनेगी उसके साथ महाराज के साथ और विश्व मतलब पहले दिन अब घर में जो है ना कल के दिन तो सबके घर में अपने अपने, लेकिन आज यहाँ का विश्व सबका इशार खत्म होगा। क्या ये मान्यता सही है कि जब महाराज यहाँ पे आते हैं तो क्षेत्र के अंदर धमधाम कहावत यह है कि भाई सबके जो है इसी बार भी देख रहे हैं, इस बार हमारे यहाँ कम से कम 20-25 साल है जो इतनी बर्फ नहीं पड़ रही थी, और इस बार जब महाराज यहाँ तो बर्फ हमारे यहाँ इतनी दबा के पड़ गई, तो फायदा भी कैसे होगा, पर्यटक लोग जो है ना यहाँ पे आनो दिन हो, तो इसका इसी की देन ही दोबारा नहीं है, हम यही मान के चलते कि भैया सब गुरु आदमी उसमें हो गए, फसल भी अच्छी है, तो हम तो यही मान रहे कि दोबारा की देन है। उत्तराखंड में लगभग 35 साल बाद हुए यहाँ
बर्बाद है थे लोग टोटल तैयारी इसलिए होती है कि बहुत सालों बाद जो है धन धन से परिपूर्ण स्वार्थ जो देवता का वो है मानते हैं जब देवता का आगमन होता है धन से परिपूर्ण हो जाते हैं महाराज के यहाँ पे विराजमान है तो तभी ये पर्व होता है यहाँ महाराज के आगमन से ही ये पर्व स्पेशल मनाया जाता है। बताएं जो ये विश्व है और आप इतने दूर से आ रखे हैं तो इसका क्या कारण है मनाने का? ये विश्व इस कारण मनाते हैं 32 साल बाद देवता आ रखा है यहाँ और इससे पहले कभी विश्व मनाया नहीं, इस वजह से हम लोग ये सब विश्व मना रहे चार कंडवार। अच्छा, और हमारा जो है सब कुछ ये है, हमारा कल्चर यही है। ठीक है, जोन सार बावर का जो रीति रिवाज है ये हमारा विश्व है। तो देवता के आने से यहाँ के क्षेत्र को जो ये विश्व है ये इसी के कारण सब कुछ जो भी है इस महाराज के। कितने साल बाद मना रहे? 32 साल बाद। अच्छा, 32 साल बाद ये विश्व हो रहा है यहाँ। हाँ, उससे पहले कभी विश्व नहीं हुआ, अपने अपने जो है वहाँ मनाते हैं, यहाँ जो विश्व है ये 32 साल बाद हो रहा है। ठीक है, स्वागत नमस्कार। मैं इस समय डिस्ट्रिक्ट देहरादून के तहसील चकराता के अंतर्गत कोटी गाँव में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो मंदिर के जो वजीर जी हैं उनसे सीधा बात करते हैं, उनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि ये महाराज जी यहाँ पे जब विराजमान है उस पर का क्या महत्व है, इसके बारे में उनसे सीधी जानकारी। सर, ये महाराज जो है बरमाशे में आते हैं, कम से कम यहाँ पे 25-30 साल बाद आए और एक साल के लिए प्रवास यहाँ आए, फिर उसके बाद जो है आगे जौनसार में जाएंगे मोना गांव में, और फिर इनका एक एक साल का वो रहता है जो है महाराज का। जो बेस्तर से ऐसी परंपरा बन के आई है इनकी, इनको कहते हैं चालदा महाराज। ये चलते रहते हैं, एक जगह अस्थाई नहीं रहते पहले से ही। सर, जैसे ये विश्व का पर्व जो बनाया जा रहा है, क्या ये हर साल लगता है या नहीं? ये तो हर गांव की अपनी अपनी वो है, लेकिन ये जहां महाराज होंगे वहां मनाया जाएगा। सर, इसकी और कुछ विशेषताएं, जैसे महाराज यहाँ पे काफ़ी समय बाद विराजमान हुए, यहाँ के कुछ चमत्कार सर यहाँ के कुछ ऐसे? ये आशीर्वाद के लिए महाराज को लाते हैं लोग, वही ये एक जगह पे रहते नहीं, तो जैसे इधर ये चार खत पूजा रही है तो ये चार खत के लिए आशीर्वाद है, इसलिए लोग लाते हैं पूजाने के लिए। आस्था है लोग से सर महाराज जी यहाँ पर कब तक? एक साल तक, पिछले मंगसिर में आए और इस बार मंगसिर में होते हैं, आगे मौला जाएंगे। सर, जैसे महाराज जी यहाँ से चले जाएंगे तो उसके बाद सर ये पर्व जैसे विश्व है क्या ये इसी तरह से चले? नहीं, अब ये तो ये लोग जाने, यहाँ के लोग फिर उसके बाद बनाते हैं या नहीं, पर लेकिन ऐसा विश्व नहीं बनेगा फिर। ये जैसे और इलाके के जो चार खत के लोग हैं ये इसी बार आते हैं, ऐसे जो है।